प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये दशमेत्तर जो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना है उत्तर प्रदेश की, उसका तृतीय चरण का जो टाइम टेबल है या समय सारणी है, उसको जारी कर दिया गया है। तो बच्चों, तृतीय चरण की जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये शासनादेश है 2 दिसंबर 2021 का, छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य कार्यों हेतु तृतीय चरण की समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में है ये विषय। तो ये बच्चों शासनादेश है, इसमें जैसे आप नीचे आएंगे तो देखिए ये लिखा है, कक्षा 10, 11, 12 एवं सॉरी कक्षा 11, 12 एवं अन्य दशमेत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन फ्रेश एवं नवीनीकरण रिन्यूअल के छात्र छात्राओं हेतु। तो ये बच्चों है, जैसा कि आप चौथे नंबर पर देख रहे हैं, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना 3 दिसंबर 2021 से स्टार्ट होकर कब तक चलेगा? 10 जनवरी 2022 तक। तो बच्चों, ये तृतीय चरण का जो डेट है वो 3 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 10 जनवरी 2022 तक आपका रहेगा। तो जो भी छात्र छात्राएं आवेदन ना कर पाए हों, या आपके जानने में कोई छात्र छात्रा रह गया हो, किसी भी कारण से उसका आय प्रमाण पत्र ना बन पाया हो, या उसका आधार लिंक ना हो पाया हो, या उसके आधार में अपडेट ना हो पाया हो, कोई भी कारण बच्चों रहा हो, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, फॉर्म अवश्य अप्लाई करें। आपके यदि परिचित में कोई बच्चा 11, 12 में पढ़ता है स्कूल में, या किसी अन्य कोर्सेज में हायर एजुकेशन में पढ़ता है, तो आप उनको भी बता दें। ये सभी के लिए है और कोई भी छात्र छात्रा इसमें अप्लाई कर सकता है। और ये जो तृतीय चरण का जो समय सारणी निर्गत की गई है, वो इस आशय से निर्गत की गई है कि कोई भी छात्र या छात्रा छात्रवृत्ति से या इसके जो लाभ हैं छात्रवृत्ति के लाभ से वो वंचित ना रहने पाए। तो बच्चों, ये टाइम टेबल आप जरूर देख लीजिएगा। इसको मैं अपना जो पॉलीटेक्निक लिब्रे लर्निंग का जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें मैं शेयर कर दूंगा, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की जो हार्ड कॉपी है, वो आप वांछित संलग्न को शिक्षण संस्था में जो जमा करने की तिथि है वो 17 जनवरी, यानी 17 जनवरी तक आप इसको जरूर हार्ड कॉपी जमा कर दीजिए। और ऑनलाइन की जो तिथि है, जो मैंने आपसे बताया, वो 3 दिसंबर से 10 जनवरी 2022 तक है। बच्चों, बाकी ये डेट अभी आप सामने देख पा रहे हैं, जो सत्यापन का कार्य संस्था से, इसके अलावा जो स्कॉलरशिप के अधिकारी होते हैं जिला स्तरीय, उनके द्वारा वो सारा प्रोसेस आगे रहेगा। और जो आपका जो भी उसमें दिक्कत आती है, जैसे कोई विसंगति यदि उत्पन्न होती है, तो उसको आपके उसमें प्रदर्शित किया जाएगा लॉगिन पर। तो जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो आप संभाल कर रखिए, उसको मोबाइल पे भी सुरक्षित रख लीजिए। इसके साथ साथ अपने जो हार्ड कॉपी है एक, उसमें यूज़र आईडी या जो संख्या है, फॉर्म संख्या जो आपने आवेदन किया है, आवेदन संख्या है, और जो पासवर्ड है उसको आप जरूर सुरक्षित रखे रहिए, ताकि लॉगिन करके आप जो पूरी वस्तु स्थिति है, जो स्टेटस है आपकी स्कॉलरशिप का, उसको आप चेक करते रहें। तो ये था बच्चों आपका आज का महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जो जानने वाले हैं, या स्वयं यदि आपने अप्लाई नहीं किया है, तो इसका लाभ अवश्य लेंगे और छात्रवृत्ति का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।